न्यूज विजन में आपका स्वागत है। न्यूज विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। हर्षवर्धन सिंह राजावत। मेरी शिकायत ये है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पे मैंने चालू किया, जहाँ पर 3 महीने का बोल के गवर्नमेंट की योजना मुख्यमंत्री कौशल संविधान योजना के नाते ये योजना चालू की गई थी, जिसमें 3 महीने के बाद एक एग्ज़ाम होना था, फिर सर्टिफिकेट एक कोर्स मिलता, जो कि 8 महीने हो चुके हैं पर अभी तक ये चीज़ का ना एग्ज़ाम हुआ है ना सर्टिफिकेट मिला। फिर इन लोगों ने अटेंडेंस पूरी ना होने पे, मतलब पूरी एक तरीके से हो चुकी है लेकिन आगे बैच बढ़ाने के लिए इन लोगों ने फ्रॉडबाजी में स्कैनर के थ्रू, मतलब एक वो अपना देना नहीं, मेरे पास नहीं है आपकी, तो फिर वो चीज़ उन लोगों ने बना ली, जिसके मतलब मुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, अटेंडेंस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो लोग खुद ही अपनी जगह पर। किस चीज़ से लगा? वही तो मशीन उन पर नकली थम का मतलब उपयोग उन्होंने किया और उस चीज़ से मतलब उन लोगों ने पकड़ा और उसमें लगा के अपना अंगूठा लगा के सामने वाले का अटेंडेंस लग सकता है, जिसमें मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही अटेंडेंस। ये चीज़ उन्होंने बनवा ली पहले, मुझे थोड़ी गलत लगी तो फिर मैं वो चीज़ ले आया अपनी, फिर अपने भाई वगैरह के पास गया, मैं बड़े भाई वगैरह हैं कि अपने भैया हैं तन्नु भैया, इनके पास गया, इनने बताया, फिर आज जाके हम लोगों ने उसकी शिकायत करी। वही फिंगरप्रिंट नकली वाला अपना, जो मतलब इन लोगों ने मेरा बनवाया था थम, जो बनवाया था नकली इन लोगों ने। तो क्या लगता है कितने लोगों से ऐसे फ्रॉड किया होगा? इसमें इन लोगों ने कम से कम 150 से 200 के बीच में बैच बना चुके हैं बच्चों के, जिसकी कोई गिनती नहीं है, वो गवर्नमेंट की तरफ इन्हें पैसे देगी। अच्छा, ये लोग सिर्फ बैच बनाएंगे, इन्हें गवर्नमेंट बच्चों को पढ़ा नहीं रहे सरकार, ये इसका मतलब वो है, फिंगरप्रिंट है इसका, ये थम इंप्रेशन का पूरा जो इन लोगों ने बनवा लिया है, अब इसके थ्रू मतलब ये लोग बैच बनाते जा रहे हैं ये अपने विवेक यादव हैं, इन लोगों के और इनके एक भाई है, ये लोग इनके इंस्टीट्यूट चलते हैं पालके बाजार में और हजीरा पे लक्ष्मी कॉलोनी में कोचिंग चलती है। भाई का नाम क्या है? विवेक यादव है। उनके साथ की पूरी इन लोगों की पूरी टीम है, 4-5 लोगों की टीम है पूरी। सर, जो अभी आरोप पकड़े हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत एक ऑफिस है इनका यहाँ पे फालका बाजार में, वहाँ पर एक सूचना मिली थी कि कुछ फर्जी काम हो रहे हैं, कुछ बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट मतलब उन्होंने कुछ डेवलप कर रखे हैं और उनको उनका यूज़ किसी गलत जगह पर किया जा रहा है, तो सूचना की तस्दीक के लिए मैं अपने फोर्स के साथ पहुँचा, वहाँ पर जाकर के मैंने देखा तो वहाँ पर मुझे कुछ अपने ग्वालियर के कॉलेजों की, स्कूलों की और मुरैना के भिंड के स्कूलों की सील मिली है और कुछ फिंगरप्रिंट मतलब थंब प्रिंट जो फर्जी तरीके से उन्होंने मतलब तैयार किए हैं वो कुछ मिले हैं। तो लगता है कि ये थंब प्रिंट बना के ऐसे फर्जी मकसद क्या रहता था, वो किस तरह से ऑपरेट? अब ये अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी इन चीज़ों के भी पूछताछ कर रहे हैं हम लोग और जैसे इंटरोगेशन होता है जो भी चीज़ें सामने आती है तो फिर बताया जाएगा। कितने लोगों का इंटरेस्ट रहता था बच्चों का? नहीं, बच्चों का इंटरेस्ट ये रहता है इसमें कि ये थंब प्रिंट फर्जी रूप से मतलब थंब प्रिंट बना लेते हैं और बायोमेट्रिक्स जो अटेंडेंस लगती है उसमें इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जिसमें अगर कोई बच्चा कोचिंग या मतलब जहाँ पे अपने जो इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकता और नहीं जाना चाहता है तो उसकी वहाँ पर प्रेजेंट लग जाती है, इस प्रकार से ये यूज़ करते हैं। कितने लोगों को पकड़ा गया है? अभी 3 लोग कस्टडी में हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इस तरीके से तो और भी फर्जीवाड़े कर सकते हैं थंब लगा के? हाँ, काफ़ी कई जगह कर सकते हैं ये लोग अपने फर्जीवाड़े। हाँ, इस संबंध में अभी हर्षवर्धन सिंह राजावत एक वहीं का स्टूडेंट है, उसने हम लोगों को इस प्रकार इस संबंध में जानकारी दी, उसने शिकायत की है। हाँ, अभी काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, इसमें काफ़ी चीज़ें निकल के आएंगी तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्या क्या नाम है सर इन तीनों के, क्या करते हैं? ये लड़के हैं प्रमोद कुमार यादव, विवेक यादव और जनम चाकी, ये 3 लड़के हैं, जिनमें प्रमोद कुमार यादव ये अपने इस ऑफिस को संचालित करते हैं, विवेक यादव इनके छोटे भाई हैं जो इनका सहयोग करते हैं और दमन चाकी वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता है। ये हाँ, 2 ग्वालियर के ही रहने वाले हैं तीनों। और भी साथी हैं? अंदर में जाओ। बेटा दू बना लिए बताइए भैया।
चांग विज्ञापन देते ना इनको बिल्ला यही है वो दुर्दान खाने का इसके नाम से लोग सोते से जाग जाते हैं आज भाई जो छोटे शहरों से बच्चे आते होंगे ना उनको तो भगा देते हैं। तरफ से ले लें एक तरफ तो इम्प्रेशन दूसरी तरफ नाम लिखा है बच्चे का। अरे अंदर जब्त हुआ है पूरा सामान मेन अंदर तो बहुत सारे सीले जब्त हुई 70-80 सीले हैं। 70 तो सीले जब्त हुए पता नहीं क्या क्या सामान था। अंगूठे अंगूठे सब जब्त हुए। 96 मतलब फ्रॉड गया है सब ज्यादा बताइए बोले ये है भैया दूसरे मान आदमी यही है। हाँ मेन आदमी यही है। क्या नाम पानी क्यों लगा दिया मुझे बोलने के लिए बोला मैं ताने 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 बता दिया।